तो बस मतलब आते थे ऑफिस, बिजली वगैरह यूज की, टीवी शीवी देखा, घर चले गए। ऐसा हम यूँ करते हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो पीर के रोज हम आपको दोबारा बात की लेते हैं, अगर आप डेटा में हमें कुछ नंबर्स दें तो बहुत शुक्रिया। मैं पीर के प्रोड्यूसर साहब से कहता हूँ कि आपसे बात कर ले। पढ़ी लिखी बात अगर की जाए सियासतदान से, कोई डेटा मांगा जाए तो वादा करके गायब हो जाते हैं और फिर फोन तक नहीं उठाते। कॉल है तस्नीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली फरमाइए। अल्लाह का शुक्र है तो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मैंने 2 महीने की जुस्तजू के बाद बात खा लिया। जी फरमाइए। तो मैं न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं सवाल करना चाहता था कि इस वक्त पाकिस्तान में ये पॉलिटिक्स है, ये पाकिस्तान में सीएसके अकेडमी के तौर पर चलाई जा रही है या मुल्क की खातिर चलाई जा रही है? मुल्क की खातिर तो सिर्फ मुल्क को चलाया जाता है सर। नहीं देखिए बात सुने, इस वक्त मतलब ये है कि हर बाप अपने बेटे को साथ लेकर फिर रहा है, अपनी औलाद को साथ लेकर फिर रहा है, लेकिन मसाइल की तरफ कोई भी नहीं देख रहा। अगर नवाज शरीफ साहब मिलने जाते हैं तो हमदर्द शरीफ साहब को भेज देते हैं वजीर आजम से मिलने, या अपने साथ लगा लेते हैं। सदर साहब छीन रहे हैं तो अपनी बेटियों को ले रहे हैं और उनकी तस्वीर अखबारों में दे रहे हैं। दिलानी साहब कहीं जाते हैं तो वो अपने बर को दाग को लेकर चले जाते हैं, चलो उनके पीछे खड़ा होता। आपको शायद अंदाजा नहीं है, बादशाहत में ऐसे ही होता है। ये क्या कहते हैं वो, जहाँ बादशाह होते हैं तो वहाँ पे अपने क्या कहते हैं वली अहद को साथ लेके फिरते हैं। प्रॉब्लम क्या है? अगर ये वली अहद को साथ लेकर फिरते हैं तो फिर कमी का बेटा कमी रहेगा, मतलब अवाम जो मतलब अवाम ही रहेगी। आपको इसमें शक है कि कमी का बेटा कमी रहेगा? नहीं मतलब वो अवाम को तरक्की करने का या अवाम के मसाइल हल करने के लिए कौन करेगा? क्योंकि दाई बात है, अगर हम तो शरीफ साहब जो है वो एसी में बैठे रहे और बख्तावर और आस्था दुबई में बैठी रहे, बराबर लंदन में बैठे रहे और जिलानी साहब के बेटे उनके साथ वजीर आजम हाउस में रहे, तो मुझे बताइए कि ये पता क्या चलेगा कि इस वक्त अवाम किस से गुजर रही है? राजा महाराजाओं को नहीं पता होता, वो सुन लेते हैं, गुजरा उनके जो होते हैं वो बता देते हैं। आप बहुत शुक्रिया अपने कॉल की, आप मुझे उम्मीद है कि बात समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो पंजाब असेंबली से पूछ।